Good morning, students. In the previous video, we saw the first part of the Aesop's fable, the stag at the pool. And in the next video, we are going to see the dog in the manger. Manger यानी क्या बोलते हैं उसको, जो animals रहती है उनको खाना डालने की जो जगह रहती है उसको हम मराठी क्या बोलते हैं, गौवान, खाना डालने का, वो उसको बोलते हैं. The dog in the manger, देखो क्या होता है. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. देखो क्या हुआ. Once a dog was looking for a nice and comfortable place. एक बार क्या हुआ, डॉग क्या था, एक अच्छी और कंफर्टेबल उसको जगह जो ढूंढ रहा था. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. और जो खाना उसको खाना डाला था ऑक्स को, उसमें वो जो hay यानी ग्रास, गवत जो था, घास जो थी, उसमें क्या हुआ, वो रेस्ट करने के लिए चला गया. It was a very hot afternoon. After a while the ox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was now very hungry. देखो क्या हुआ, दोपहर के दिन थे, समर के दिन थे, दोपहर के दिन थे. जो ऑक्स था वो बहुत ही खेत में क्या कर रहा था, काम कर वापस आया था, फील्ड में काम करके वापस आया था. उसको बहुत भूख लगी थी, वो बहुत ही हंगरी हुआ था. ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मैनेजर फॉर हिम. और उसने क्या किया था, प्लान किया था कि अभी जाकर क्या करूंगा, थोड़ा सा खाना खाऊंगा, थोड़ी सी घास खाऊंगा, उसने प्लान किया था. और वो अपने मैनेजर के पास आया. हाउ एवर व्हेन ही रीच्ड टू द हे द डॉग सॉ हिम स्टैंडिंग इन द मैनेजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. और वो क्या हुआ, जैसे ही वो ऑक्स क्या हुआ उस मैनेजर के पास गया, तो जो डॉग था वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर बार्क कर रहा था यानी भूंक रहा था. This time that the ox came near to the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. जैसे जैसे वो ox क्या कर रहा था, उस dog के पास जा रहा था, उस manager के पास जा रहा था, वैसे वैसे क्या कर रहा था, dog क्या कर रहा, snarl कर रहा था, उसके ऊपर घूर रहा था, बार्क कर रहा था, उसके ऊपर और से आगे आगे जा रहा था. At the ox, he would not allow the ox to eat a hay. देखो क्या हुआ, वो ऑक्स को खाना ही खाने नहीं दे रहा था. देखो और क्या होता, ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल. देखो ऑक्सन कैसे होते हैं, पीस लविंग मतलब शांत स्वभाव के एनिमल्स होते हैं. ज्यादातर वो किसी को भी सताते नहीं, किसी को भी सताते नहीं है. देखो क्या है, बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फॉर्मली. डॉग, इफ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट बट यू नाइदर टू शेयर माई डिनर विथ बट यू नाइदर टू ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एंजॉय इट. इट इज नो यूज ऑफ यू देन व्हाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. डोंट बी ग्रूड अदर्स व्हाट यू डोंट एंजॉय यूर सेल. देखो बच्चों, इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मॉरल है. क्या मैसेज है, देखो क्या बोल रहा है वो ऑक्स, क्या बोल रहा है उसको, डॉग इफ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. देखो क्या बोल रहा है वो, अगर तुझको मेरा खाना खाना चाहिए तो क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, हमारा डिनर क्या करेंगे, शेयर करेंगे. बट आई कुड नॉट माइंड इट, मुझको उसका कुछ भी नहीं लगेगा. बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ टू एंजॉय इट. क्या बोल रहा, एक तो तू खुद से भी नहीं खा रहा और मुझको भी खाने नहीं दे रहा, ये क्या बराबर नहीं है. इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई भी मतलब नहीं है. इट इज ऑफ नो यूज टू यू मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं है. देन व्हाई डोंट यू लेट मी टू हैव माय फेवरेट फूड, और तू मुझको मेरा फेवरेट खाना क्यों खाने नहीं दे रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए. अभी देखो लास्ट वाला मैसेज का है, डोंट बी ग्रूड अदर्स व्हाट यू डोंट एंजॉय योर सेल्फ. मगर हमारे खुद से एक आधी चीज एंजॉय नहीं कर सकते हम, तो दूसरों की खुशियां छीननी नहीं चाहिए, दूसरों को नाराज नहीं करना चाहिए, दूसरे की खुशियां छीननी नहीं चाहिए. आए बच्चे धन में इसमें क्या है मॉरल, डोंट बिग्रेड अदर्स दैट यू डोंट एंजॉय योर सेल्फ. मतलब दूसरे की खुशियां हमको छीननी नहीं चाहिए. अगर हमको कुछ एखादी चीज करने में मजा नहीं आता, एखादी चीज हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो दूसरे को तो भी करने देनी चाहिए. ओके okay?
देखो इसी तरह क्या करना है, इसके जो हार्ड वर्ड्स है ये सब वर्कबुक में भी है और नोटबुक में भी है। ये जो हार्ड वर्ड्स है ये 2 टाइम्स क्या करने के, नोटबुक में लिखने के, और जो वर्कबुक में दिया वाला सिलेबस है, वर्कबुक में दिए वाले क्वेश्चन आंसर है, वो लिख कर मुझको भेजने हैं। आया ध्यान में बच्चों? ओके, थैंक यू।